आप सभी को मेरा नमस्कार। हेलो, आप सब कैसे हैं? तो आज चलते हैं सोया चाप की ग्रेवी बनाने, ठीक है? ये देखिए, सोया चाप ग्रेवी बनाने के लिए दो टमाटर है, 2 से 3 टमाटर हैं, और ये जो है 2 बड़े प्याज हैं, और जो है 2 कटे हुए हरी मिर्च हैं। और ये है 2 दालचीनी, थोड़ा सा लौंग है, तेज पत्ता है, 4 छोटी इलायची है, 2 बड़ी इलायची है, और जीरा है। ये सोया चाप ग्रेवी बनाने के लिए। और देखिए, एक कटोरी छोटी एक कटोरी दही है, ये बटर है, और ये बड़ा एक लहसुन है, और जो है अदरक का टुकड़ा, मैंने दोनों को पीस लिया है। और ये जो है सूखी धनिया है 1 चम्मच, बड़ा 1 चम्मच सूखी धनिया है, और 1 चम्मच जो है लाल मिर्च है, और ये हाफ हल्दी, हाफ 2 स्पून जो है हल्दी है, और ये जो है कस्तूरी मेथी है जो ऊपर से थोड़ा से छिड़कना है, और ये जो है नमक है, आप अपने स्वाद अनुसार डालना है। और ये देखिए काजू है जो ग्रेवी में हम डालेंगे जब पकाएंगे तो। और ये है चाट मसाला, ये थोड़ा सा हम हनी डालेंगे 1/2 स्पून। तो ठीक है, अब हम चलते हैं बनाने के लिए। ये देखिए उबल गया है, अब धीरे धीरे हम निकाल लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम, और ये हम 2 हरी मिर्ची डालेंगे सबसे पहले। तेज पत्ता डालेंगे, 2 से 3 तेज पत्ता हैं, 2 दालचीनी है, 4 छोटा इलायची है, और थोड़ा सा लौंग है, और 2 बड़ी इलायची है, और 1 जो है स्पून जीरा है। थोड़ा सा ये हो जाएगा। अब हम प्याज डालेंगे, ये 2 प्याज हैं, 2 बड़े प्याज मैंने। प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, क्रंची क्रंची रहना चाहिए। अब इसमें हम 1 छोटा 1/2 स्पून जो है मैंने हल्दी डाला है, और 1 बड़ा स्पून जो है, एक स्पून जो है मैं लाल मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर, और 1 स्पून जो है सूखी धनिया पाउडर है, और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाला है। अब थोड़ा सा मैं इसमें हम बटर डालेंगे ताकि जलने ना पाए, पहले इसलिए मैंने नहीं डाला। अब हम टमाटर डालेंगे, 2 से 3 टमाटर हैं, 3 टमाटर मैंने डाले हैं। अब हम नमक डालेंगे, नमक आप स्वाद अनुसार अपने डालिए। नमक, टमाटर के बाद नमक डालने से टमाटर गल जाएगा।
अब हम इसमें थोड़ा सा 7-8 काजू डाल देंगे। जब तक मेरी ग्रेवी तैयार होती है तब तक के लिए हम सोया चाप को मिलाकर रख देंगे। ये देखिए, पहले हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। ये देखिए, इसमें मैंने लाल मिर्च डाला है 1 चम्मच, और यह थोड़ा सा मैंने हल्दी भी मिलाई है, और 1 कटोरी दही है, छोटी 1 कटोरी दही है, और थोड़ा सा ये कस्तूरी मेथी है, थोड़ा सा ये चाट मसाला है, 1 चम्मच चाट मसाला है। अब हम इसमें देखिए, अब ऐसे मिला के रख देंगे। जब तक के लिए मेरी ग्रेवी तैयार हो रही है, ये देखिए मैंने मिला के रख दिया है, थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। ये देखिए, मैंने इसमें दही, लाल मिर्च, सरसों के तेल में मिलाया है, और ये जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको इसमें मिला कर रखना था, और मैंने दही के साथ मिला के रख दिया है, और नमक भी थोड़ा सा डाला है, और इसमें चाट मसाला भी डाला है मैंने, और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी मैंने डाल दी है। ये देखिए, अब हम इसको थोड़ा से तेल डालेंगे। अब चाप को हम थोड़ा देखिए, सोया चाप को मैंने तल दिया है। अब ये हम बटर डालेंगे। बटर इसमें हरा मिर्च मैंने डाल दिया है। अब ग्रेवी जो तैयार किया था वो मैंने डाल दिया है। देखिए, इसमें थोड़ा सा हम कस्तूरी मेथी भी डालेंगे।
और थोड़ा सा हम 4-5 चम्मच ये मलाई मैंने डाल दी। देखिए इसमें हम सोया चाप डाल रहे हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा हम हनी डालेंगे, थोड़ा सा हम हनी डालेंगे। थोड़ा सा हम कस्तूरी मेथी डाल दिए, ये मेरा ग्रेवी तैयार हो गई। सोया चाप बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए मेरा सोया चाप ग्रेवी वाली बनकर तैयार हो गई है। ठीक है, ये देखिए मेरा सोया चाप ग्रेवी बनकर तैयार हो गया है। और आप भी बनाइए और बना करके खाइए। मेरे चैनल पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।